तो दोस्तों क्या आपको फ्री फायर खेलना पसंद है? क्या आप रोज फ्री फायर प्ले करते हैं? अगर दोस्तों आपको फ्री फायर खेलना पसंद है और अगर आप इसे रोज खेलते हैं तो दोस्तों आपको जो मैंने थंबनेल पर वर्ड्स दिए हैं जो हम डेली गेम के अंदर यूज करते हैं तो आपको इनकी फुल फॉर्म जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो टेंशन क्यों ले रहे हो, आपका भाई आपके लिए वीडियो लेकर आया। इसमें मैंने जितने भी वर्ड आपको थंबनेल में दिखाए हैं तो आपको उन सभी की फुल फॉर्म इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर एक भी ऐसा वीडियो नहीं देखने को मिलेगा जिसमें ये सभी वर्ड की एक साथ आपको फुल फॉर्म देखने को मिल जाए। तो मैं आपके लिए लेके आया तो इस बात पर वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और तभी आपको दोस्तों सभी उन जो वर्ड्स मैंने आपको थंबनेल पे दिखाया आपको सभी की फुल फॉर्म आसानी से पता चल जाएगी। तो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल SPS गेमिंग जोन में। नो फेक न्यूज़, नो फेक अपडेट्स, ओनली 100% रियल कंटेंट्स। तो दोस्तों आपको पता चली गया कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो लेके आया। तो दोस्तों आज मैं आपको उन सभी वर्ड्स की फुल फॉर्म बताने वाला हूँ जो फ्री फायर में डेली हम यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने सोचा कुछ आज अलग टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, आपको पता है कि रोज न्यूज़ अपडेट टिप्स एंड ट्रिक वगैरह तो चलती रहती है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसे टॉपिक पर वीडियो लाते ताकि आपको नॉलेज भी मिल सके। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी एक और रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके और उन्हें भी इन वर्ड्स की फुल फॉर्म पता लग सके जो मैंने थंबनेल में दिए हैं। बाकी दोस्तों ये मैं क्या देख रहा हूँ, 80% ऐसे बंदे हैं जो मेरी वीडियो को रेगुलर दिखते हैं पर मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज दोस्तों अब इस पहेली को आप ही सुलझा सकते हैं। प्लीज कुछ ऐसा कीजिए कि ये जो 80% नॉट सब्सक्राइब वहाँ पे सब्सक्राइब हो जाए और दोस्तों जो 20% सब्सक्राइब है वहाँ पे नॉट सब्सक्राइब हो जाए, मतलब कि दोस्तों बाजी पलट दीजिए आप, ठीक है दोस्तों। ये आप ही कर सकते हैं तो प्लीज ऐसा जरूर कर देना। जो बंदा मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है तो प्लीज हमारे चैनल SPS गेमिंग जोन को सब्सक्राइब कर लेना और बेल को भी ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना क्योंकि इस चैनल पर हम फ्री फायर से रिलेटेड ऑल कैटेगरी की वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बातें बहुत होगी, अब जल्दी से आपको उन वर्ड्स की फुल फॉर्म बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको HP और EP की फुल फॉर्म बता देते हैं। तो दोस्तों नीचे देख सकते हैं यहाँ पे जो व्हाइट कलर की लाइन बनी हुई है उसका नाम है HP, ठीक है। और जो येलो वाली लाइन है उसका नाम है EP। तो दोस्तों जो HP की फुल फॉर्म होती है वो होती है हेल्थ पावर, ठीक है दोस्तों, हेल्थ पावर बोलते हैं HP को। उसके बाद दोस्तों जो EP वाली पावर है यानी कि जो EP लिखी हुई है उसका मतलब होता है एक्स्ट्रा पावर, ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा पावर। HP की फुल फॉर्म हेल्थ पावर और EP की फुल फॉर्म एक्स्ट्रा पावर। तो आई होप दोस्तों इनकी आपको फुल फॉर्म पता चल गया। अब चलिए दोस्तों आपको OP फुल फॉर्म बता देते हैं। तो OP ऐसा वर्ड है जो हम रोज डेली लाइफ में यूज करते हैं। कोई बंदा हेडशॉट मारता है या कोई भी अच्छा गेम प्ले करता है तो हम बोलते हैं ना, वाह भाई साहब OP खेल रहे हो, OP खेल रहे हो। तो OP की फुल फॉर्म तो वैसे आपको पता होगी, कोई बात नहीं दोस्तों, जिन्हें नहीं पता तो सुन लीजिए, OP की फुल फॉर्म होती है ओवर पावर। तो ये वर्ड डेली लाइफ में काफी बार यूज होता है गेम के अंदर, तो OP की फुल फॉर्म होती है ओवर पावर। अब चलिए दोस्तों अब आपको UID की फुल फॉर्म बता देते हैं। दोस्तों UID वर्ड भी आप डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं। अगर दोस्तों आपको पता लगता है कि आपके मोहल्ले में एक बंदा फ्री फायर खेलता है तो आप उसे पूछते हैं ना, भाई तेरी UID क्या है, मुझे दे मैं तेरे को रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो ऐसे पूछते हैं ना। तो UID तो सब पूछते हैं पर UID की फुल फॉर्म बहुत बंदों को नहीं पता। तो UID की फुल फॉर्म होती है, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। तो UID की फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो दोस्तों आपको बताइए कि जो UID होती है, हर एक बंदे का UID नंबर अलग अलग होता है, सेम नहीं होता, अलग अलग होता है, जिससे पहचान होती है कि हाँ ये बंदा ये है, ये बंदा वो है, तो इससे पहचान होती है। इसलिए दोस्तों इसका नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है दोस्तों, UID की फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद चले दोस्तों अब आपको बता देते हैं AFK की फुल फॉर्म। अब दोस्तों AFK आपको सभी बंदों को तो पता ही होगा क्योंकि दोस्तों अगर आप क्लैश स्क्वाड रैंक खेलते तो आपको पता ही होगा कि AFK क्या होता है। तो नहीं पता कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो AFK के दोस्तों एक वार्निंग होती है जो हमें मेल में फ्री फायर की तरफ से दी जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आप क्लैश स्क्वाड रैंक खेल रहे होते हैं कई बार दोस्तों क्या होता है, आपका नेट वगैरह रुक जाता है या आप कई बार आप कुछ काम की वजह से गेम को बैक करके चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों, और आपके बंदे बीच में रहते हैं, जो तीन बंदे होते हैं वो बीच में रहते हैं और आप बैक कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपको गेम की जो मेल होती है ना उसके अंदर फ्री फायर की तरफ से मैसेज आता है, उसमें लिखा जाता है कि आपने AFK एक्टिविटीज की हैं तो आपको हम क्लैश स्क्वाड से बैन करें, ठीक है दोस्तों। वो क्लैश स्क्वाड से बैन कर देते हैं, आई थिंक 24 घंटे के लिए बैन कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, अगर आप अच्छा खेल रहे होते हैं तो दोबारा से आपको अनबैन कर दिया जाता है, तो ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों जो AFK का मतलब होता है वो यही होता है कि आप गेम खेल नहीं रहे, आपने बैक कर लिया, बटन वगैरह को टच नहीं कर ले। तो AFK की फुल फॉर्म होती है अवे फ्रॉम कीज, ठीक है दोस्तों, अवे
फ्रॉम किस, जिसका मतलब होता है कि आपने की वगैरह को टच नहीं किया, कोई मूवमेंट वगैरह नहीं किया। कई बार क्या होता है, कई बंदे जानबूझ के गेम के अंदर चले जाते हैं पर खेलते नहीं है, देखते रहते हैं, तो ऐसा कई बार होता है, तो उन्हें भी AFK की वार्निंग आ जाती है। तो इसका मतलब ये होता है अवे फ्रॉम किस, यानी कि दोस्तों आप की को टच नहीं करें, कोई मूवमेंट वगैरह नहीं शो हो रही है, इसलिए दोस्तों इसे बोलते हैं AFK। अब चलिए दोस्तों, अब आपको मैं बता देता हूँ कि MVP की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों जो MVP होता है ये भी हमें डेली गेम के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि इस वर्ड को भी हम यूज करते हैं। तो MVP आपको पता है कि क्या होता है, अगर आप दोस्तों क्लैश स्क्वाड खेलते हो उसमें जो भी बंदा टॉप करता है या ज्यादा किल करता है जिसका नाम टॉप पर आता है, तो आपको पता है ना छलांग मार के सबसे पहले उसी की फोटो आती है, उसका नाम लिखाता है कि ये MVP बना है, ठीक है। तो MVP का मतलब ये होता है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ठीक है दोस्तों, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मतलब कि दोस्तों इस बंदे ने ज्यादा किल किए, ये सबसे टॉप पर आया, तो इसलिए वो MVP बना होता है, ठीक है दोस्तों। आप भी MVP वगैरह बनती होंगे रोज, कभी ना कभी तो बनती हैं, रोज ही बनते होंगे वैसे तो, ठीक है। तो इसलिए MVP की फुल फॉर्म होती है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो KD रेशो होता है, KD रेशो होती है ना, मतलब KD रेट, वो क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आपने सुना होगा कि डेली हम ये भी यूज़ करते हैं, कई बंदों से पूछते हैं भाई तेरा KD रेट क्या है। कई बार क्या होता है किसी कोई जो बड़े बड़े गिल्ड होते हैं उसमें एंट्री मतलब लेने के लिए भी वो KD रेट वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो KD रेट वगैरह देखते हैं, तो आप इस वर्ड को भी डेली यूज़ करते हैं, पर आपको ये नहीं पता होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो KD रेट की फुल फॉर्म होती है किल एंड डेथ रेट, ठीक है दोस्तों, किल एंड डेथ रेट, तो उसे बोलते हैं दोस्तों KD रेट। तो यही फुल फॉर्म होती है KD रेट की, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको पता चल गया होगा कि जो हम डेली वर्ड यूज करते हैं गेम के अंदर तो उसकी फुल फॉर्म वगैरह क्या होती है। तो आई होप गाइस कि आपको ये नॉलेज वाली वीडियो पसंद आएगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके और उन्हें भी पता चल सके कि ये जो डेली वर्ड हम यूज करते हैं गेम के अंदर तो इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। बाकी दोस्तों इस चैनल पर आपको फ्री फायर में आने वाले लीक्स, इवेंट्स, अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक्स, ड्रेस कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है दोस्तों, और साथ ही में दोस्तों रिडीम कोड की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर से जरूर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।